हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग ही लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है पायल जो बहुत बुरी तरीके से गंदी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से बार बार आप दुकान पे ले जाने से, सोनार के पास ले जाने से अच्छा है कि आप अपना पायल, अपना जो है चांदी, घर पर ही साफ़ करें। तो आज मैं बहुत आपको एक अच्छा सा ईजी तरीका बताऊँगी जिसे आप अपने घर पर साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पानी रख दी हूँ गैस पे, जो कि अभी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होते ही मैं जो है इसमें अब डालूँगी सर्फ़, जो कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं एक चम्मच के अकॉर्डिंग सर्फ़ डाली हूँ। आप अपने पानी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चम्मच डाली हूँ सर्फ़, और सर्फ़ डालने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चाय पत्ती, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं चाय पत्ती डाली हूँ ना, छोटी सी चम्मच से एक चम्मच मैं यहाँ पे चाय पत्ती डाली हूँ। अब इसमें जो है उबाल आ रही है। गैस के फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे ताकि पानी ऊपर ना आकर गिर जाए। और यहाँ पे वो फाइल है जो कि मैं आप लोगों से दिखाई थी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गैस लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है 3 मिनट मेरी हो चुकी है पायल इसमें डाले हुए, और 3 मिनट में ही आपको कुछ फ़र्क दिख रही होगी यहाँ पे। अभी मैं निकालूँगी तो उसके बाद जो है कुछ अलग ही फ़र्क इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो अभी जो है 3 मिनट हो चुकी है, अब मैं जो है इसमें से निकालने वाली हूँ। तो थोड़ी सी मैं गैस की फ्लेम और ज़्यादा कर दी ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा वो हो जाए, वो ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा ना करे, नहीं तो पानी जो है ऊपर आके गिरने लगेगी। तो थोड़ी सी जो है मैं गैस ज़्यादा करके उसके बाद जो है फिर मीडियम फ्लेम पर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी पायल है वो धुल चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से अब। और इसमें जो है मैं दो, मेरे पास बिछिया भी था जो गंदी हो चुकी थी, वो भी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं जो है इसमें इसको निकालूंगी, और निकालने के बाद जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है मैं गैस जो है फ्लेम जो है अभी थोड़ा सा मीडियम रखी हूँ, उसके बाद जो है गैस का फ्लेम जो है अब कर दे रही हूँ बंद। और बंद करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सादा पानी रखी हूँ, इसमें कुछ नहीं ऐड की हूँ, बस पानी ही पानी है। तो ये जो पायल है ना, ये पायल को मैं निकालूंगी अब इसमें से, और निकाल कर और पानी में डालूंगी। बाकी आप लोग बने रहिए, तो आप लोग के सामने है जो भी है और दिख ही रहा है आप लोगों को। तो इसमें इसके जो अंदर जो ये काले काले है ना, ये चाय पत्ती है जो कि मैं इसमें ऐड की थी, डाली थी चाय पत्ती, तो उसकी है। अभी मैं साफ़ करूँगी यहाँ पे पानी में डालकर, तो ये ना जब इसमें से चाय पत्ती निकल जाएगी तो और ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार पानी में धो ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना, ये जो पानी है इस पानी में से निकाल कर और दूसरी बार फिर दूसरे पानी में इसमें ऐड करूँगी, ऐड करके धोऊँगी, क्योंकि अभी जो है इसमें से चाय पत्ती जो है निकल रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं। और पायल के कलर भी हो गई है चेंज। मैं अभी अच्छे से दिखाऊँगी आपको जब दूसरे पानी में डालकर निकालूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा पानी भी लेती हूँ, और इस पानी में जो है अच्छे से मैं पायल को यहाँ पे धो दे रही हूँ। आप हाथ से भी धो सकते हैं, नहीं तो चम्मच वगैरह से भी चला के धो सकते हैं। तो फाइनली जो है जो लुक पायल का आप देख सकते हैं, इसके पहले आप लोग देख ही चुके थे कि इसके अंदर जो है कितनी ज़्यादा गंदगी बैठी हुई थी, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई थी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी नहीं है, और कितनी फ्रेश दिख रही है। तो गाइस, आज के आपको वीडियो कैसी लगा, और ये छोटा सा मेरा ट्रिक था, कोशिश था, वो कैसा लगा? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप के साथ ऐसा होता है, आपका जो भी हो, पायल हो, बिछिया जो भी हो, अगर आपको गंदी हो जाती है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।